मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। यह नारा था भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का। मात्र 24 साल की उम्र जो युवाओं के लिए जिंदगी के सपने देखने की होती है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उन्नाव जिले के बदरका कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर की पढ़ाई की शुरुआत मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से हुई और बाद में उन्हें वाराणसी के संस्कृत विद्यापीठ में भेजा गया। आज़ाद का बचपन आदिवासी इलाकों में बीता था। यहाँ से उन्होंने भील बालकों के साथ खेलते हुए धनुष बाण चलाना व निशानेबाजी के गुर सीखे। बहुत छोटी मात्र 14 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस आंदोलन से जुड़े बहुत सारे लोगों के साथ चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद कोड़े खाते हुए बार बार वे भारत माता की जय का नारा लगाते रहे और जब उनसे उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है। और तभी से उनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी की जगह चंद्रशेखर आज़ाद बोला जाने लगा। इस गिरफ्तारी के बाद आज़ाद ने ब्रिटिशों से कहा था कि अब तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। ये घटना याद आ रही है ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए। एक बार जब चंद्रशेखर अपने एक मित्र के घर छुपे हुए थे, उस समय गुप्तचरों से सूचना मिलने पर ब्रिटिश पुलिस वहां पहुंच गई। चंद्रशेखर के मित्र ने पुलिस से कहा कि चंद्रशेखर यहाँ नहीं है, पर पुलिस नहीं मानी और घर की तलाशी के लिए दबाव डालने लगी। तो मित्र की पत्नी ने चंद्रशेखर आज़ाद को एक देहाती धोती और अंगरखा पहनने को दिया और सिर पर साफा बंधवा दिया। वह टोकरे में कुछ अनाज तथा तिल के लड्डुओं को लेकर अपने पति से बोली, सुनो जी, मैं जरा आस पड़ोस में लड्डू बांट कर आती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। और फिर ब्रिटिश पुलिस के सामने वह चंद्रशेखर से बोली, अरे वज्र मूर्ख, तू क्या यही बैठा रहेगा, यह लड्डुओं की टोकरी अपने सिर पर रख और मेरे साथ चल। चंद्रशेखर ने तुरंत सिर पर टोकरी उठाई और पुलिस को चकमा देकर मित्र की पत्नी के साथ किसान के वेश में घर से बाहर निकल गए। थोड़ा दूर पहुंचकर चंद्रशेखर ने लड्डू व अनाज से भरे टोकरे को एक मंदिर की सीढ़ियों पर रखा और मित्र की पत्नी को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। आज़ाद ने देश की स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह के साथ मिलकर भी अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए थे। कहते हैं जैसा नाम वैसा काम। चंद्रशेखर ने अपने नाम के आगे आज़ाद लगाया था और वे मरते दम तक आज़ाद ही रहे। एक बार इलाहाबाद में उनके होने की सूचना मिलने पर ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें और उनके सहकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया था। अपने साथियों सहित स्वयं का बचाव करते हुए आज़ाद ने कई पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई और जब उनकी पिस्तौल में अंतिम गोली बची, वे स्वयं भी पूरी तरह से घायल हो चुके थे। बचने का कोई भी रास्ता न दिखा तो ब्रिटिशों को हाथ लगने से पहले ही आज़ाद ने बची अंतिम गोली खुद पर। यह घटना फरवरी 27, 1931 की है, जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घटी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल को आज भी इलाहाबाद म्यूजियम में देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान लोग आज भी भूले नहीं हैं। कई स्कूलों, कॉलेजों, रास्तों व सामाजिक संस्थाओं के नाम उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं तथा भारत में कई फिल्में भी उनके नाम पर बनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।